हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का फिर से एक बार। और आज मैं करने जा रहा हूं टाइगर 3 के डेट अनाउंसमेंट टीजर का रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यशराज वालों के तरफ से हाल ही में पठान के डेट अनाउंसमेंट वीडियो को रिलीज किया गया था और अभी टाइगर 3 के डेट अनाउंसमेंट वीडियो को रिलीज कर दिया गया है। लगता है 2023 में यशराज प्रोडक्शन की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। अब बात करें वीडियो की, तो वीडियो की शुरुआत होती है कैटरीना कैफ से, जहां वो हमें एक्शन करते हुए दिखाई देती है। जैसे ही वीडियो आगे बढ़ता है तो पता चलता है कि वो ट्रेनिंग कर रही है शायद नेक्स्ट मिशन के लिए। और वीडियो में सलमान खान सोए हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही कैटरीना सलमान खान के पास जाकर कहती है अब उनकी बारी है, तो टाइगर के वही बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से सलमान खान की एंट्री होती है, जिसे देखकर मैं तो सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। और बैकग्राउंड म्यूजिक भी लिटरली आपको गूज़बम देती है। तो इस वीडियो में भी पठान मूवी की तरह रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया गया है, जो है 21 अप्रैल 2023 यानी कि ईद के मौके पर। तो टाइगर 3 में हमें इमरान हाशमी भी दिखने वाले हैं। रूमर्स की माने तो वो इस मूवी में विलन का रोल प्ले कर रहे हैं। जो भी हो, मैं सलमान खान और इमरान हाशमी को पहली बार बिग स्क्रीन पर एक साथ देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। टाइगर के थर्ड पार्ट के डायरेक्टर हैं मनीष शर्मा और प्रोड्यूसर हैं आदित्य चोपड़ा। और इस फिल्म को भी हिंदी के साथ तमिल और तेलुगु लैंग्वेजेस में भी रिलीज़ किया जाएगा। तो आप टाइगर 3 के डेट अनाउंसमेंट वीडियो को देखकर कितना ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हो हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। और इसी तरह के अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।